संत रविदास जी को अपना गुरु माना, छोटे मोटे लोग नहीं, चित्तौड़ की रानी झालावाई ने भी संत रविदास जी को अपना गुरु माना और चित्तौड़ आने का आमंत्रण दिया। बंधु, एक बार का प्रसंग है कि कुछ साधु संत गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। वो सब लोग रविदास महाराज जी के पास पहुंचे और रविदास महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करके रविदास महाराज जी से आग्रह किया कि आप भी हमारे साथ गंगा स्नान के लिए हरिद्वार चलो। लेकिन रविदास जी ने कुछ अपनी व्यवस्थाएं बताई नहीं जाने के लिए, उनको जाना नहीं था। लेकिन रविदास जी ने उन संतों को एक भेंट दी और उन संतों से कहा कि जब आप गंगा स्नान कर लें तो गंगा मैया का आह्वान करके मेरी भेंट गंगा मैया को देना और उनसे कहना कि ये भेंट रविदास ने गंगा मैया तुम्हारे लिए भेजी है। और गंगा मैया अपना हाथ ऊपर करके मेरी भेंट को स्वीकार करें तो ही आप गंगा जी को भेंट देना, नहीं तो मेरी भेंट वापस लेके आना और मुझे दे देना। बंधुओं, जब वो संत गंगा मैया के घाट पर स्नान करने पहुंचे और उन्होंने गंगा मैया के स्नान किए, पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद रविदास महाराज जी ने जो भेंट उन संतों को दी थी, गंगा मैया का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा, गंगा मैया ये भेंट तुम्हें संत रविदास जी ने भेजी है। बंधुओं, आप लोग आश्चर्य करते रह जाएंगे, गंगा मैया बीच में से निकली और अपने दोनों हाथ उठा करके संत रविदास जी की भेंट को स्वीकार किया और गंगा मैया ने कहा, आज मैं धन हो गई, ऐसे संत रविदास जी ने मुझे भेंट भेजी है, तुम उनको मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। और एक ये रत्न जड़ा हुआ कंगन है, इस कंगन को आप रविदास महाराज को मेरी तरफ से भेंट कर देना। बंधुओं, को संत उस कंगन को लेके आए और उनके दिमाग में बदनियत आ गई कि ये बहुत कीमती कंगन है, इसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। और वो कंगन उनने रविदास जी को नहीं दिया और वो बेचने के लिए एक हीरे व्यापारी के पास पहुंच गए। हीरे के व्यापारी ने कहा कंगन को देख करके कि भैया, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इस कंगन को खरीद सकूं, ये कंगन तो अनमोल है, अनमोल। और वास्तव में जो गंगा मैया ने कंगन दिया हो वो कंगन तो अनमोल होना ही था। बंधुओं, उसका भाव नहीं लगा, पैसे नहीं मिले, इतना पैसा किसी साहूकार के पास नहीं था। कहीं से खबर राजा के पास पहुंच गई, राजा के दूत उन साधु संतों को पकड़ करके राज दरबार में ले गए। राज दरबार में वो कंगन भेंट किया गया राजा के पास। वास्तव में राजा उस कंगन को देख के चौंक गए, उसकी जितनी चमक थी, क्योंकि वो कंगन कोई साधारण कंगन नहीं था, गंगा मैया जी के दिए द्वारा दिया गया कंगन, संत रविदास महाराज को देने का कंगन था वो, इसलिए वास्तव में वो अनमोल कंगन था। रानी को वो कंगन भाग गया। रानी ने राजा से कहा कि प्रिय महाराज, ये तो एक कंगन है, मुझे दूसरा कंगन और चाहिए, जब मेरे दोनों हाथ अच्छे लगेंगे। उन संतों ने कहा कि कंगन के, राजा ने कहा उन संतों से कि ये दूसरा कंगन भी आप लेके आओ। तो साधु संतों ने मना कर दिया कि महाराज, हम कैसे लाएंगे, अगर ये कंगन कोई ला सकता है तो संत रविदास जो बनारस में बैठते हैं, पन्हाई बनाने का काम करते हैं, जूता बनाने का काम करते हैं, वो संत रविदास ला सकते हैं। बंधुओं, जब वो राजा का फौज फाटा, संत रविदास जी के आए कुटिया में पहुंचा और कुटिया में जाकर के उनने विनय की कि रविदास जी, संतों ने कहा कि हमने आपके साथ छल किया, बेईमानी की, कपट किया, आपने जो भेंट हमको दी थी वो हमने गंगा मैया को दी थी और गंगा मैया ने आपकी भेंट स्वीकार करके प्रसाद के रूप में ये कंगन आपको भेजा था, लेकिन हम बेईमान हो गए, हमारी बदनीयती आ गई
और वो कंगन हमने आपको नहीं दिया। अब राजा ने ये कंगन दूसरा मंगाया है, अब दूसरा कंगन कोई और नहीं ला सकता, केवल आप में शक्ति है कि आप गंगा मैया से आह्वान करके दूसरा कंगन मंगा सकते हो। बंधु, रविदास जी ने उसी समय कटोरी जो होती है ना जिसमें चमड़ा गलाते हैं, तो रविदास जी महाराज ने गंगा मैया का नाम लेते हुए उस कटोरी में हाथ डाला, उस कटोरी में हाथ डाला कि मन चंगा तो कटोरी में गंगा, और दूसरा वही गंगा मैया ने जो कंगन दिया था वो कंगन रविदास जी महाराज के हाथ में आया और उसको रविदास महाराज ने राजा को सुपुर्द कर दिया। एक बार का और उदाहरण है, भगवान ने परीक्षा ली रविदास महाराज की कि ये कितने बड़े संत हैं मैं देखूं। जब साधु के भेष में भगवान रविदास जी के पास पहुंचे, उनका सत्संग सुना, उनके प्रवचन सुने, उनके ज्ञान की बातें सुनी, लेकिन भगवान प्रभु ने सोचा कि संत रविदास तो अत्यंत गरीब है, इनके पास तो कुछ है नहीं, एक झोपड़ी है, झोपड़ी में पति अपनी पत्नी लोनाबाई के साथ में रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि आपको मैं कुछ ऐसा वरदान दे दूं कि आप अपना जीवन अच्छे से गुजार सको। तो संत रविदास जी ने प्रभु से कहा, नहीं संत महाराज, मुझे तो परमात्मा पर भरोसा है और परमात्मा मेरी जिंदगी को पार लगाएंगे। उसके बाद भी प्रभु ने संत रविदास जी को अजमाना चाहा और एक पारस पत्थरी रविदास महाराज को दी कि लो रविदास जी, ये पारस पत्थरी है, तुम इसको सोने से लगा दोगे, लोहे से लगा दोगे तो वो लोहा सोना बन जाएगा और तुम अपने जीवन को धन्य कर सकते हो, माला माल बन सकते हो, अच्छे महल बनवा सकते हो, अच्छे मकान बनवा सकते हो। तो संत रविदास जी ने कहा कि प्रभु, ये जो पारस पत्थरी है इसको आप मेरे कपड़े में कहीं रख लो, रख दो छुपा करके, मेरे को आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इसको उपयोग ले लूंगा। लेकिन 6 महीने बीत गए, साल बीत गई, 2 साल बीत गए, उनने उस पारस पत्थरी का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो तो संत थे, प्रभु से उनकी लगन लगी हुई थी, भगवान को जपते थे, लोगों को ज्ञान बांटते थे और अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं ने आकर के संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया और संत रविदास जी के शिष्य बने। 3-4 साल के बाद भगवान फिर साधु के रूप में रविदास जी से मिलने आए तो देखा कि रविदास जी तो जैसे के तैसे हैं, केवल 2 पन्हाई बनाते थे, 1 पन्हाई कोई नंगे पैर साधु संत आ रहा है तो उसके पैर धुला करके 1 पन्हाई उसको पहनाते थे, दूसरी पन्हाई बेचते थे और उस दूसरी पन्हाई से जो मुनाफा होता था उससे अपनी पत्नी और अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम करते थे। जब प्रभु ने पूछा कि संत रविदास, वो पारस पत्थरी दे गया था वो कहाँ है, तुमने उसका उपयोग नहीं किया, तो उनने कहा, हे प्रभु, मैंने तो उस पारस पत्थरी को देखा भी नहीं है, छुआ भी नहीं है, आप जहां रख गए थे उसी स्थान पर रखी होगी। भगवान ने उस पारस पत्थरी को उस टपरी से उठाया और संत रविदास जी को अपार स्नेह और धन्यवाद और प्रेम दिया और अपना आशीर्वाद प्रदान किया। बंधु, अब आप सबको, हमारे और भी नेता हैं, माननीय कैलाश जाटव जी हैं, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री लाल सिंह जी हैं, वो आप सबको अपना मार्ग